ये तो शॉर्टकट है, फटाफट आना हो जाए। तो जी हम जा रहे हैं प्लॉट आ, एक दिन आओ तो तेरे डैडी थे, बच्चे भी है। हाँ। मतलब चले नहीं चला है। हाँ। तो देख रहे रास्ता, मैंने ना देख रहे रास्ता। हाँ। ना बच्चे चलो तो बच्चे को ले लेना। नहीं से सड़क च गड्डी जा रहा, फिर जगह नहीं ना। ता हम लोग जा रहे हैं प्लॉट पे, मैं और मम्मी और आदित्य को रख के आए वहाँ पे। अभी फटाफट पैदल पैदल, क्योंकि स्कूटी तो उधर है कांगड़ा, तभी पैदल पैदल आए, फिर पहुँच जाते जल्दी, अकेले अकेले आना हो तो। और अभी शाम के बज चुके हैं 5 और आज है संडे। तो जी हम पहुँच चुके हैं प्लॉट पे और ये देखो अभी इतना काम जो है यहाँ पे हो चुका है। मम्मी नीचे देख के आना, धागे भी है देखना, मतलब धागे भी लगे रहे, रामा ने आयो। अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी तक तो पता नहीं चल रहा था अभी हो क्या रहा है। तो जी प्लॉट से वापस आने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बनाते हैं चाय और बनाते हैं मैगी, क्योंकि बहुत जोर की लगी है भूख। मम्मी तो मना कर रहे हैं मैगी खाने के लिए, हो गई फिर डिनर के टाइम के लिए भूख नहीं रहती है। और डिनर में आज जो है हम कुछ सुबह की सब्जी, कुछ कल शाम की दाल, ये सब कुछ बचा हुआ है, तो अभी सिर्फ बनेंगी दही को लगाएंगे थोड़ा सा तड़का, दही तड़का टाइप, और बनेंगे चावल। तो ये है, बाकी यहाँ पे पानी चढ़ाया मैंने मैगी बनने के लिए, और यहाँ पे पानी चढ़ा है चाय के लिए। तो मम्मी अदरक वाली चाय पसंद नहीं करते हैं क्योंकि गर्मी होती है, तो पर इलायची थोड़ी ठंडी होती है तो इसलिए इलायची डाल देती हूँ, और गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी इलायची ठीक रहती है डाइजेशन के लिए भी, तो इलायची डाल रही हूँ। और मैं उर्वी और आदित्य खाएँगे मैगी, थोड़ी थोड़ी बनाएंगे क्योंकि इन्होंने दिन में भी फुलका वगैरह खा लिया है, पर चलो कोई नहीं, कभी कभी दे देनी चाहिए, बच्चों का भी मन होता है खाने का। ये प्लॉट पे गए पैदल, फिर आए पैदल, थक भी जाते हैं, तो धूप थी उस टाइम पे, बस जाने का मौका भी तभी था क्योंकि उस टाइम और भी कोई थी। वैसे भी मेन रोड में से जाते हैं ना, बच्चों के साथ जाना बड़ा रिस्की रहता है। ये तो जी रात के बज गए हैं 8 और डिनर की तैयारी करने की जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी मैं बनाऊंगी दही तड़का, पर पहले चढ़ा दूंगी मैं चावल, क्योंकि दही तड़का को उतना टाइम लगता नहीं है। आधू पानी का नलका धीरे खोलो और हाथ वही वो कर लेना पानी वाले, और चावल पहले चढ़ा दूंगी फिर लगाऊंगी दही तड़के को तड़का, और फिर तब तक फिर ये होगा कि गर्म गर्म चावल भी हो गए और दही तड़का तो फिर गर्म होता भी नहीं है, तो फिर उसी टाइम बनेगा और उसी टाइम खाया जाएगा। तो जी रात के हो गए हैं अभी 9:15 और मेरा जो वर्क है ऑलमोस्ट डन है, सुबह की तैयारी। कल बच्चों को छुट्टी नहीं है, कल ये 4 दिन के बाद अभी कल स्कूल जाएंगे, यानी कि 3 जून को, तो आज 2 तारीख है। और यहाँ पे जो है उर्वी और आदित्य की जो ड्रेस है वो मैंने कर दी है आयरन, तो मैं इनको जो है हैंग करके रखती हूँ कपड़ों को अभी। तो ये उर्वी की टी शर्ट है और ये उर्वी की स्कर्ट है, छोटी सी क्यूट सी, तो इसको मैंने ऐसे इसकी फीट जो इनको प्रॉपरली प्रेस करते हुए ऐसे कर लिया, बट ये ना सेट नहीं रहती है क्योंकि ये इसकी फ्रॉक वैसी वाली नहीं है, बहुत घेरे वाली वैसी नहीं है, तो बट फिर भी मैंने थोड़ा सा दे दिया है इनको प्रेस करके। तो ये है, और बाकी ये उर्वी का ब्लूमर, तो ये 3 चीज़ें इसकी, सॉक्स जो है मैंने इसकी उसमें रख दी है इसके शू के अंदर, ताकि सुबह फिर ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो आदित्य की भी मैंने फुल पैंट की जगह अब ये निकर निकाल दी है, तो अभी ये निकर पहन रहा है और पहनेगा मतलब कल। वैसे मैं इसको फुल लेंथ की जो पैंट है सेम ये वाली इनकी समर ड्रेस है,
वो पहनाती हूँ। देन ये रहा इसकी शर्ट, ये भी मैंने प्रेस कर दी है। तो इसमें ना मैंने वो नहीं करी है, क्रीज इसलिए नहीं निकाली क्योंकि फिर सुबह सीधा सीधा, ये भी मैंने इसके ऊपर उर्वी की ड्रेस रख दी थी तो थोड़ी थोड़ी सिलवटें इसमें पड़ गई, बट इसको जैसे ही पहनते हैं ना वैसे ही ठीक हो जाती है ये। तो ये इसकी यूनिफॉर्म है और इसका जो हैंकी है वो भी मैंने प्रेस करके रख दिया, और ये मेरे प्रेस से निकला भी पानी जैसे मैंने बंद कर दी ना वो। तो ये आदित का हैंकी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जो नाक है ना वो थोड़ी बहती रहती है। तो ये है, बाकी ये नीरज के लिए मैंने शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर करी थी जिसको मैंने वॉश कर दिया है। आई थिंक अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, बट मैं करूँगी इसको शेयर। ब्लू वाली दो मंगवाई थी मैंने, एक ब्लू कलर की और एक ये ग्रीन कलर की। ब्लू वाली कल वॉश कर दी थी और ये ग्रीन वाली आज वॉश हुई है। और ये इसकी आदित की ड्रेस, बस इसकी सॉक्स निकाल के मुझे इसकी ड्रेस के साथ रखनी है। ये लो इसकी सॉक्स। यार ये वाइट कलर की सॉक्स ना बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी काली कर देते हैं। तो मैं तो ना मतलब जैसे ये सॉक्स है वाइट वाली, 5-6 पेयर रखती हूँ मैं सॉक्स के, बच्चों की सॉक्स के। उर्वी के तो फिलहाल 2 ही है क्योंकि इसका ज़्यादा दिन का है भी नहीं, 5 डेज स्कूल होता है उसमें से 1 दिन जो है इनका कलरफुल ड्रेस डे होता है, तो उस दिन यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते। तो 4 दिन कुल मतलब ये ड्रेस पहनती है, तो ये है। तो इसलिए इसकी मैंने सिर्फ 2 पेयर वाइट सॉक्स पे रखे। यहाँ पे मेरे बहुत सारे अमेजोन से पैकेट्स रिसीव हुए मुझे जो मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया, बट उससे पहले ये सारे जो कपड़े हैं ये धुले हुए कपड़े ये मुझे अलमारी में रखने हैं, और इन बच्चों के जो कपड़े हैं ये मुझे हैंगर में हैंग करके रखने ताकि सुबह दिक्कत ना हो। ऐसे लड़ते हैं ना ये मेरे बच्चे एक दूसरे आपस में झगड़ते रहते हैं, जबकि इनमें इतना एज गैप है उसी चक्कर में कि भाई लड़े झगड़े ना बच्चे, पर ये बच्चे झगड़ते ही बहुत ज़्यादा है। और मैं तो देखती हूँ अभी कल हल्का फुल्का सा कुछ ऐसे टी शर्ट या पैंट टाइप वैसा ही पहन के जाऊँगी, क्योंकि सूट पहन के फिर पूरा दिन भर दुपट्टा हैंडल करो हिम्मत सी नहीं होती क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं ये कपड़े इनको भी लगा लेती हूँ, फिर जो मैंने शॉपिंग किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। डिनर हमारा बन चुका है पर आज किसी का भी मन नहीं अभी तक खाने का क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और हमने शाम के टाइम मैगी जो है वो खा ली थी तो हमारा वैसे ही मन नहीं कर रहा है। पर आज बच्चों को जल्दी सुलाना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह वही बसें जल्दी है टाइम अभी स्कूल का, तो फिर उसी हिसाब से उठना भी पड़ेगा। मैंने तो 3-4 दिन से ना अपने फ़ोन के अलार्म भी बंद कर दिए थे ताकि मैं उठ ही ना पाऊँ सुबह, मतलब मेरी आँख भी ना खुले, क्योंकि रोज़ रोज़ जल्दी जल्दी उठ के ना नींद पूरी नहीं हो पाती थी। पर चलो कोई नहीं, ये हैंग कर लेती हूँ पहले। तो ये आदित की मैंने पूरी इसमें देखो ये बेल्ट लगा दी है, टाई, इसकी सॉक्स हैंकी, इसकी निकर, इसकी शर्ट, और ये उर्वी की, तो ये दोनों ऐसे लगा दिए मैंने। और अभी फ़िलहाल अपनी अलमीरा में रख रही हूँ ये सारा सामान इनका, सुबह सुबह फिर दिक्कत नहीं होती है क्योंकि दूसरे वाले रूम में उर्वी सो रही होती है तो आदित को पहले जाना होता है, मेरी रूम में ठीक है इनका सामान। ए लड़की इधर नहीं, लिखो, अभी करवाया है पेंट, ज़्यादा दिन नहीं हुए, देखो इसके हाल। व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस हैंकीज? मैं पॉट बना रही था। पॉट बना रहे थे? शो मी व्हाट आर्टिस्टिक ड्राइंग, इतनी रियलिस्टिक ड्राइंग, मोनालिसा की जगह लगनी चाहिए। क्या बोलते वॉबल्स पता है ना आपको, ए ई आई ओ यू, तो आर्टिस्टिक से पहले क्या लगेगा? तो फिर गर्मी पे क्या विचार है आपके, गर्मी पे क्या विचार है? मरने वाली गर्मी है, लोग बोल रहे बोले आप तो हिमाचल में हो, हमें सोचो जो पंजाब लुधियाना जैसी जगह में है उनको कितनी गर्मी लगती होगी। ये भी बात बुरा है ना, इस बार गर्मी है ना। और ये देखो मुन्नी हमारी गिल्ली है पूरी। मम्मी, हाँ जी, रहते होंगे बेटा मुंबई में भी शायद। आदित बोल रहा है भाई मुंबई में कोई सब्सक्राइबर रहते तो वो कमेंट करके बताएं कि वहाँ पे कैसी गर्मी है ना। हाँ सब लोग बोलते हैं आप आदित को नहीं लेते हो व्लॉग में, बताओ आप खुद ही नहीं आते हो। मैं तो आता हूँ, आप नहीं। आपने ये मेरी वॉच निकाली है, फिर आपने इसको पहना भूना, फिर आपने वहाँ फेंक दिए टेबल पे। 3 दिन तक पहन रखी है ये, देखो टाइम 9:30, 3 दिन से पहन के रखी, फिर ऐसे फेंकोगे ताकि मुझे सुबह मिले? बस इसमें दिन खराब चल रहे हैं, दिन खराब चल रहे हैं, हमारे भी खराब ही चल रहे हैं अभी।
तुझे मजा आता है पानी में? बच्चों को पानी में बड़ा मजा आता है खेलने का। मजा नहीं आता है? नहीं आता है। बाथरूम में जाओ तो मजा आता है खेलने में? पानी में दादी पोती की जोड़ी बड़ी खतरनाक है। ये तीसरी ड्रेस है, तीसरी ड्रेस है ये, सुबह से लेके ये देख भाग गई। तो जी शाम का हो गया है टाइम और जस्ट अभी जो है मैं ऑफिस से पहुंची हूँ। सुबह भी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूंगी, कल शाम को भी सोचा था शॉपिंग शेयर करूंगी, बट फिर ऐसा हुआ कि बच्चों की जो तबीयत है वो भी उतनी सही नहीं थी और इसी चक्कर में जो है फिर मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट फिलहाल अभी ऑफिस से आई हूँ तो सोचू फटाफट से शेयर कर दूँ। तो जितनी भी जो शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो की है मैंने अमेजोन से, और अमेजोन पे अभी चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जहां पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स पे जो है 50-80% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा किसी भी ब्रांड में, 1500+ ब्रांड और 300,000+ फैशन स्टाइल्स, तो आप जो है वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं और डिस्काउंट का जो फायदा वो उठा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की। तो ये जो मैंने टी शर्ट वियर की है, ये टी शर्ट है मैक्स ब्रांड की, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने एल साइज ऑर्डर किया है और ऑर्डर किया है ये कलर जो कि ये मेहंदी सा कलर और वाइट दोनों का मिक्स है। तो ये टी शर्ट है बहुत ही सुपर डुपर कंफर्टेबल, अभी मैं ऑफिस को पहन के गई थी इसको और आज ही फर्स्ट टाइम मैंने ये वियर की है, बहुत ही सुपर कंफर्टेबल टी शर्ट है। तो अगर आप भी मेरे जैसी हेल्थ के तो एल साइज ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज अपने हेल्थ के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। देन सेकंड मैंने एक और टी शर्ट मंगाई है जो ऐसे लूज स्टफ में और ओवर साइज जो टी शर्ट्स होती है उस तरीके से। तो पहले मैंने सोचा था कि सुबह इसको पहन के जाती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि व्हाइट कलर की जब आपको दिखाऊंगी तो एकदम फ्रेश व्हाइट नजर भी आनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये ओवर साइज जो टी शर्ट होती है तो ये लूज और लेंथ में भी लंबी होती है, तो यहाँ पे इसका जो साइज है दैट इज ऑल्सो एल साइज। तो ये जून बेरी करके ब्रांड है और ये इस तरीके से इसमें ये रबड़ प्रिंट या पेस्टल प्रिंट क्या बोलते हैं जो भी है वो हो रखा है, और इस तरीके से है इसका पूरा लुक। तो ये है मेरा सेकंड परचेज अमेजोन से। देन उसके बाद मैंने बोला था कि मैंने नीरज के लिए शर्ट ऑर्डर किया जिसको मैंने वॉश कर दिया ताकि मैं इसका कपड़ा चेक कर सकूं। तो ये है यहाँ पे पीटर इंग्लैंड का एल साइज है। इससे पहले मैंने ब्लू कलर की थोड़ी सी डार्क सी ब्लू कलर की ऑर्डर करी है, वो भी वो पहन रहे हैं, और ये थोड़ी सी ऐसे सी ग्रीन या ग्रीन से कलर की है, और कपड़ा इसका सुपर सॉफ्ट है और धोने के बाद कोई श्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। तो ये है एल साइज की शर्ट जो आप भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने ब्रदर के लिए या अपने फ्रेंड के लिए, जिसके लिए भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर्मल शर्ट तो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने लिए फॉर्मल पैंट मंगवाई है, यही वाली पैंट मैं पहन के गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखानी है तो फिर मैं ऐसे इसको जो है यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। देखो ऐसे मैंने फोल्ड की है क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, ये देखो पहनी भी है, आज ही पहनी है बट ब्लैक कलर है ना, और अभी बाहर तूफान चल रहा था तो उस वजह से इसमें मिट्टी लगी, तो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर रखी है क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना अच्छी खासी लेंथ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करवाना है। मेरी जो लेंथ होती है ना जीन्स की 40 और 41 होती है, तो इसलिए फिर मैं इसको छोटा करवा दूंगी। अब मैं बताती हूँ कि ये ना फॉर्मल पैंट है, स्ट्रेचेबल है, ब्रीदेबल है, और कपड़ा जो मटेरियल जो है ना इसका आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से यहाँ से ये मिल जाती है, आगे वाली पॉकेट है, पीछे आपको लगेगा कि पॉकेट्स हैं बट ये पॉकेट्स हैं नहीं एक्चुअल में, ये इस तरीके से बंदी है तो पॉकेट नहीं है। तो ये फॉर्मल पैंट है और 34 वेस्ट मैंने मंगवाई है, लेकिन यहाँ पे साइज मेंशन किया है डबल एक्सल, बाकी मैंने 34 मंगवाई है। तो कमर भी बिल्कुल परफेक्ट है और ये ना मिड वेस्ट है, ये बहुत ज्यादा हाई वेस्ट नहीं, पर अगर आप इसको ऐसे प्रॉपरली स्ट्रेच करो तो ये हाई वेस्ट का ही काम करती है और बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। तो ये स्ट्रेट फिट में है, तो अगर आप भी स्ट्रेट फिट ऐसे ढूंढ रहे हैं फॉर्मल पैंट तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखो स्ट्रेचेबल, सुपर स्ट्रेचेबल और सुपर कंफर्टेबल, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट है, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है अपने हैंडबैग में डालने के लिए पाउच, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरा पाउच जो है वो उसकी जिप खराब हो गई थी, जिसको लगाने की मैंने बहुत कोशिश की बट वो नहीं लगा। तो फिर मैंने यहाँ पे चुंबक ब्रांड का ये छोटा सा पाउच ऑर्डर किया है अपने लिए,
तो बहुत देर से लाइट नहीं थी, अभी जाके जो है लाइट वापस आई है। तो ये पाउच इस तरीके से, और ये मैंने हैंडबैग के अंदर जो भी अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं छोटी मोटी चीजें रखने के लिए उसके लिए ऑर्डर किया है, और ये लेदर का है। और चुंबक के ना मुझे ये जो ये डिजाइन आते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे चुंबक जो है हमें ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये है, तो ये सारी शॉपिंग जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अमेजोन ब्रांड से की है, तो ये अमेजोन ऐप से की है। तो आप भी अमेजोन से इस तरीके के या ये प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद आए ये ऑर्डर कर सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अमेजोन पे जो है वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रही है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं, और 80% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, और जल्दी बोल रही हूँ ना मैं, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल रही हूँ, बट चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी, है ना। तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा कि मम्मी ऑफिस से तो आ गए, लेकिन हम लोगों से बात करने का हमारी माँ के पास टाइम नहीं है, बट मुझे ये वीडियो जो है आज ही आप लोगों तक पहुँचानी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी तरीके से जो है इस सेल का फायदा उठाने में लेट हो जाओ। तो जाइए जल्दी से आप भी वार्डरोब रिफ्रेश सेल का फायदा उठाओ और फटाफट से ऑर्डर करो इनमें से जो भी चीजें आपको ऑर्डर करनी है। और ये वाली पेंट मुझे पसंद आई, एक और मैंने ऑर्डर के लिए, लेकिन वो मैं आप लोगों से थोड़े दिन में, एक दो दिन के बाद शेयर करूंगी। ये मैंने ब्लैक मंगवाई है, वो मैंने ग्रे ऑर्डर के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिलहाल ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड कर दूं। भगवान ने इतना अच्छा अभी तूफान वगैरह चला के थोड़ा सा खुश किया था, लेकिन अभी फिर से क्या है, बाहर ये शुरू हो गया है, धूप फिर से आ गई है, बल्कि तूफान की वजह से ना लाइट भी चली गई थी, लेकिन अभी फिर से लाइट आ गई और तूफान बंद हो चुका है और धूप शुरू हो गई है, बल्कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मन ही मन में मैं ऐसी खुश होती हुई आ रही थी ना कि आहा, आज तो मौसम बड़ा ही जबरदस्त है, पर चलो जो भी है भगवान जैसा भी दे रहा है हम उसमें संतुष्ट है। तो चलिए फटाफट से अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोज देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। और अभी अगर मेरे ससुर जी के बारे में बताऊं तो अभी तक वो घर नहीं आए हैं, वैसे उनको आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, ऑपरेशन हुआ था उनका फ्राइडे को और आज है मंडे, तो मोस्ट प्रोबेबली आज अभी डिस्चार्ज मिल गया होगा, शायद अभी आने वाले होंगे, नीरज गए हैं उनको लाने के लिए, तो वो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं या क्या होता है। फोन मैंने नहीं किया, मैं इनका ड्राइव करते हुए ऐसे फिर डिस्ट्रैक्ट होते, कोई इंसान साथ में बीमार है, परेशान है, तो फिर उसको दिक्कत ना हो इसलिए। तो चलो फाइनली बाय, टेक केयर। और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है ना कि अपने ससुर जी को बोलना वेट कम कर लो, उनको बोलो इस तरीके से ध्यान रखें, उस तरीके से ध्यान रखें, तो वो सारा जो है मैं उनको ज़रूर बताऊंगी। वैसे वो वीडियोस देखते भी हैं और कमेंट्स का नहीं मुझे पता पढ़ते कि नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि वो कमेंट्स पढ़े और देखें कि उनके लिए कितना सारा ढेर सारा प्यार आप लोगों ने दिया है। बाय, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी अदरवाइज़।